जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सियाम आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही प्यारी सी एक डिजाइनर ड्रेस बनाने वाले हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने प्योर जॉर्जेट का, देखिए सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी वाला बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक लिया। फैब्रिक कितना सुंदर है कि इसमें मन कर रहा है कुछ मत करो, कोई डिजाइन मत डालो, कुछ मत करो, ये ऐसे ही पोशाक बहुत सुंदर लगेगी। साथ ही हमने मून लाइट का फैब्रिक लिया है, इसी से मैचिंग में कलर एकदम से थोड़ा सा वीडियो में अलग अलग लग रहा है, लेकिन देखेंगे आप तो सेम कलर है दोनों। तो सेम कलर का ही हमने ये मूनलाइट फैब्रिक भी लिया। इन दोनों फैब्रिक में से हम बहुत ही सुंदर डिजाइनर एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। ये 5 नंबर के ठाकुर जी की हम ड्रेस बना रहे हैं। नंबर के ठाकुर जी के लिए 9x9 इंच का हमने देखिए डायमीटर कट कर रहे हैं। अभी कट नहीं किया है, इसे स्क्वायर पीस हमने कट किया है, उसको चिपका लिया है। इसे क्या करना है, इस तरीके से गोल करेंगे। गोल करने के बाद में इसे एक बार से, सॉरी गोल नहीं, फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड कर लिया, दोबारा फिर फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद में क्या करना है, इसे देखिए यहाँ से नापते हैं, गोलाई में निशान लगाएंगे हम। 4.5 इंची आ रहा है, 4.5 इंची पे चारों तरफ हमें गोलाई में निशान ले लेना है। साथ ही कमर की गोलाई लेंगे ना, तो वो देखिए 1 इंच हमारा ये आता है, 1 इंच में 1 पॉइंट कम। 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए हमें 1 इंच में 1 पॉइंट कम लेना होता है। और 1 इंच ही हम लेते हैं पूरा 6 नंबर के लिए, और 0.25 इंची लेते हैं 4 नंबर के लिए। और इस तरीके से ये हमारे साइज के हिसाब से, नंबर के हिसाब से साइज घटते बढ़ते हैं। तो ये भी हम गोलाई भी कट कर लेते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे, साथ ही कमर की गोलाई भी कट कर लेंगे। अब इसके लिए हमने कटिंग करने के बाद आरकंडी का अस्तर कट कर लिया है नीचे के लिए। चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे, अस्तर को इसके बराबर का कर लेंगे कट करके, यहाँ से कट लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा करके यहाँ तक से करके, और उसके बीच की गोलाई भी कट कर लेंगे। इतना काम कर लेते हैं। अब देखिए ये लेस लिए हमने गुट्टा पत्ती की, बहुत ही प्यारी। और इस लेस में हमें हल्की हल्की प्लेट्स डाल करके और ये पूरे घेरे में चारों तरफ हमें यहाँ से यहाँ तक टक कर लेना है। ये देखिए लेस लगा ली है, बहुत ही प्यारी लग रही है लेस, इस कलर के ऊपर बहुत सूट कर रही है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से नाप लेते हैं इसे कितना आ रहा है, लगभग 3.5 इंची आ रहा है। ये देखिए 4.25 इंची चौड़ा, 25 इंची लंबा हमने ये फैब्रिक कट किया है। साथ ही इसके लिए सेंटून का हमने अस्तर कट कर लिया है। साथ ही एक फैब्रिक हमने ये 7.5 इंची चौड़ा और 25 इंची लंबा, ये हमने मूनलाइट फैब्रिक कट किया है। तो दोनों फैब्रिक को हमें क्या करना है चलिए बताते हैं। देखिए इस वाली फैब्रिक को, मूनलाइट फैब्रिक को हमें इस तरीके से उल्टा रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है, साथ ही यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लगा करके इसे हम पलट लेंगे और पलट करके इसके इस तरीके से लंबाई में 2 पीस कर देंगे पहले। इसको हमने पलट लिया, पलट करके पहले सिलाई लगा लेंगे इन दोनों पीसों को बराबर करके, उसके बाद भी हम 2 पीस में कट करेंगे। अब इसे 2 पीस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसमें अलग अलग हमें प्लेट्स डाल करके घेर तैयार कर लेना है। इस तरीके से प्लेट्स डाल करके इसमें घेर तैयार कर लेते हैं। और घेर हम कितना तैयार करेंगे, ये हमारा हाफ पोर्शन है, हाफ 1/4 में इधर आएगा, 1/4 में इधर आएगा। तो इतना घेर तैयार कर लेते हैं दोनों पीस में, एक हमारा घेर इधर लगेगा एक इधर लगेगा।
पीस में हमारी प्लेट्स डल गई हैं। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी गोलाई के साथ में अटैच करेंगे यहाँ पर पहले, और फिर कमर की गोलाई के साथ यहाँ तक अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी यहाँ से पहले अटैच करेंगे, उसके बाद में कमर की गोलाई के साथ में यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए दो घेर हमने लगा लिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए 25 इंची लंबा और 4.25 इंची चौड़ी एक पट्टी हमने ये कट की है। इसको हम क्या करेंगे, ये अस्तर जो हमने कट किया ना सेंटून का, इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगा करके इसको पलट लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए कोई हमें ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, ना ही हमें कोई लेस लगानी है, बस चाहे तो आप उंगली से प्रेस कर दीजिए या फिर वैसे ही प्रेस लगा करके इसे इस तरीके से बिठा दीजिए। अब बिठाने के बाद तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। अब इसमें भी हम प्लेट्स डाल करके घेर तैयार कर लेते हैं, और घेर हमारी जितनी कमर की गोलाई है उसकी आधी गोलाई के बराबर हमें ये प्लेट्स डाल करके घेर तैयार करना है। तो ये तैयार कर लेते हैं। ये देखिए छोटा सा बहुत ही प्यारा सा ये घेर बन गया है। और अब इस घेर को कहाँ सेट करेंगे, हम इस घेर को इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेते हैं कमर की गोलाई में। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। और ये जो हमने देखिए यहाँ से अंदर की साइड मोड़ करके रखी हुई है साइड्स को, इसको तो इनको ऊपर ओवरलैप कर देंगे और इसको हम नीचे की तरफ दबा देंगे। इस तरीके से हमें एक टांका खोल करके इसको नीचे दबा देना है और इस तरीके से इसे ओवरलैप कर लेना। वैसे पहले हमें ऐसे लगाना चाहिए था, बाद में ऐसे लगाना चाहिए था, लेकिन पहले हमारे दिमाग में कुछ और डिजाइन चल रहा था इसलिए हमने इस तरीके से लगाया था। अब इस तरीके से हमें पहले लगा लेना है। अब जो सिलाई है ना, सिलाई के ऊपर ये लेस हम टक कर लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड लेस टक कर लेते हैं। दोनों साइड्स को गोटे से लॉक कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से हमें लॉक करना है, इसे लॉक कर देते हैं। अब नेफा लगा लेते हैं। नेफे के लिए 2 इंची चौड़ी हरी भी पट्टी हमने कट की है और इसको 1/2 इंची अंदर की तरफ मोड़ेंगे। इस तरीके से मोड़ करके डबल करेंगे और उल्टी साइड से हमें टक कर लेना है। एक साइड से टक करने के बाद दूसरी साइड से इसको अंदर की साइड 1/2 इंची कपड़े को अंदर की साइड दबा देंगे। उसके बाद डोरी रखेंगे, डोरी रखेंगे, डोरी रखने के बाद इसको इस तरीके से पलट करके डोरी के ऊपर और ये सिलाई लगा देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक गोलाई में।
घेर देखिए हमारा बन गया। आप चाहे तो प्लेन रहने दे सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन हम इसमें डेकोरेशन करेंगे क्योंकि ड्रेस हमें ये हैवी बनानी है। और डेकोरेशन हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का फुल्का ही करेंगे, लेकिन बहुत प्यारा लगने वाला है। तो चलिए बताते हैं डेकोरेशन कैसे करेंगे इसका। देखिए डेकोरेशन हमें कुछ खास नहीं करना, ये स्टोन्स लिए हैं हमने बड़े वाले, और इन स्टोन्स को हम बहुत ज्यादा गैप नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको पूरे में हम भर देंगे। देखिए पूरी ड्रेस में हम ये स्टोन्स भर देंगे, इससे बहुत ही प्यारे लगेंगे। आप चाहे तो इन्हें इस तरीके से लाइन बना करके भी लगा सकते हैं, इस तरीके से लाइन लगा करके भी आप बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं पूरे रैंडमली इनको भर करके और ये घेर बनाने वाली हूँ। तो दिखाती हूँ आपको कैसे लगेंगे ये। जब तक हमारी ग्लूगन गर्म हो रही है तब तक हम यहाँ पर स्टोन चेन लगा लेते हैं, क्योंकि कमर में जब तक स्टोन चेन ना लगाएं तब तक पोशाक मुझे अधूरी लगती है। देखिए बहुत ही खूबसूरत के कलर का खूबसूरत सा घेर तैयार हो गया। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, और इसकी चोली देखिए हमने सिंपल बनाई है। और सबसे बड़ी बात ये, क्या हम ये ड्रेस बना रहे थे वैसे ही हमारे एक व्यूअर हैं और मिलने वाले हैं, वो आ गई और उन्होंने कहा नहीं ये ड्रेस तो मेरे कानू पहनेंगे, और उनके कानू 6 नंबर के, लेकिन हमने उनकी जो चोली है ना वो 6 नंबर की कर दी 5 नंबर की बजाय, तो ये चोली हमारी 6 नंबर की हो गई। साथ ही उन्होंने कहा हमें कि ये हम राधाष्टमी को पहनाएंगे, अपने कान्हा जी को राधा रानी बनाते हैं, तो उनके लिए पगड़ी की जगह हमने ये देखिए चुनरी बना दी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है इस ड्रेस के साथ में। और चुनरी के लिए हमने 8.5 इंची चौड़ा और 19 इंची लंबा हमने कपड़ा लिया, और उसको चारों तरफ से मोड़ लिया। मोड़ने के बाद ये पतली वाली लेस लगाई हमने 3 साइड, और चौथी साइड हमने ये वाली लेस लगाई चौड़ी, जो कि कान्हा जी के ऊपर आएगी इस तरीके से। तो ये ड्रेस देखिए पूरी बन करके तैयार हो गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये ड्रेस, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।